अच्छा अभी नेक्स्ट है हमारे पास 10 में रखेंगे ये वाली, इनकी वैल्यू का आंसर आ गया हमारे पास 5/6। अब 5/6 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 10 की? √3। 10 हां जी, √3 ठीक हो गया। √3 √3 1/√3 नहीं होता? यस सर, √3/3 1/√3 होता है। 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ये सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, एमसीक्यूज में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में डायरेक्ट आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे ये लिखना है, जो उसकी वैल्यू आएगी उसका 10 ले लेना है, 10 की वैल्यू, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप ये आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगला, यस सर, अगला चौथा पार्ट है। हमारी गली से निकला सर, आप ही गली में आ गया। ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4। अच्छा अभी पार्ट नंबर 4 में कोसेकेंड ये सर, कोसेकेंड tan इनवर्स -1, ठीक है सर। Yes, अच्छा, ये देखिए उसी तरह वही सवाल अगेन, मतलब सभी क्वेश्चंस में हमने यही पार्ट मतलब अप्लाई करना है। tan इनवर्स -1 उसने रख लिया y के बराबर, उधर से tan y किसके बराबर आ गया -1 के। अब हमें पता है हमने इस क्वाड्रेंट में चेक करना है, अब इसकी वैल्यू माइनस भी आ रही है, तो इसका मतलब ये माइनस वाली साइड पे भी जा सकता है। सर ये y की ब्रैकेट्स दूसरी तरह नहीं होनी चाहिए थी? कौन सी वाली ब्रैकेट? ये y वाली ब्रैकेट, y बिलोंग्स टू ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये खुली नहीं होनी चाहिए थी? नहीं 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 नहीं, क्यों सर, tan नहीं है ये? ओहो, y की वैल्यू है ना इधर, tan की तो नहीं ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू कोई भी आ सकती है इनमें से। अब वो इधर अगर इंफिनिटी होता तो वो पाई बाई टू भी आ सकती है, माइनस पाई बाई टू भी आ सकती थी, ठीक है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है सर। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास टेन दूसरी तरफ आके टेन वाई बन गया, टेन वाई इक्वल टू -1। अब टेन पाई बाई फोर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो साथ माइनस आ रहा है, साथ हमारे पास माइनस भी आ गया, क्योंकि उसकी डोमेन में भी हमारे पास क्या है, माइनस। तो ये आ गया हमारे पास -π/4, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, -π/4। cos y को उसने कन्वर्ट कर लिया 1/sin y, sin -π/4, -π/4 किसके बराबर होता है, -1/√2। sin का माइनस बाहर आ जाएगा, उस तरह माइनस इसका बाहर आ गया। इसके बाद ये स्टेप था हमारे पास 1/sin π/4 और साथ ये माइनस, इधर से पाई बाय फोर किसके बराबर होता है, √1/√2, √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा इसका। क्लियर? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसका पार्ट है, पांचवा पार्ट है। कौन सा पार्ट? पांचवा लिखवाओ, पांचवा पीछे कॉपी नहीं देखनी, 30 पे होता है। हाँ जी सर, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन वाई इक्वल टू 1/2। तो इधर से हमारे पास बन गया साइन की कौन सी अब वैल्यू पुट करेंगे हम, वो हमारे पास वैल्यू होती है साइन 5/6। 5/6 पे ये आंसर देता है, मतलब 30 पे ये आंसर देता है 1/2। अब 1/2 हमारे पास ये आ गया आंसर इसका, तो 5/6 आ गया। अब हमने किस में पुट करना है, इसमें सीकेंड 5/6। अब सीकेंड 5/6 जो है, अब सीकेंड इसका रेसिप्रोकल कर ले कोज में, कोज 5/6
सिक्स, फाइव बाई सिक्स अभी पीछे हमने वैल्यू यूज की थी, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री बाई टू। जब वो ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी, टू ओवर अंडर रूट थ्री। क्लियर है? यस सर। अगला है सर साइन साइन इनवर्स वन ओवर टू, साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा। ये है क्या कहते हैं सातवां पार्ट। नहीं अलहदा लहदा नहीं, मतलब इनको ये हम आ दिए है इसमें, मतलब अंदर वाले पोर्शन को ना हम पुट कर लेते हैं वाई के बराबर, जो फोर्थ पार्ट किया है ना हमने, इसमें हमने ये किया था, ये हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें हमने पुट कर लिया था इसको वाई के बराबर, जो इसका जवाब आया हमने देखा, जो आंसर आया वो उसकी जगह इसकी जगह आंसर पुट कर दिया माइनस फाइव बाई फोर, फिर आगे उसको सॉल्व किया तो एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं ये देखो, जो okay, भी इनवर्स वाला फंक्शन आ रहा है ना उसको हमने पुट करते जा रहे हैं वाई के बराबर, उधर से जो वैल्यू निकलती है हमारे पास उसको हम पुट करते जाते हैं इसमें, पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाता है। नयान भाई चवले मार रहे हैं, कैमरा ऑन कर लेते हैं। अच्छा भी नेक्स्ट सातवां पार्ट है सर साइन साइन इनवर्स वन ओवर टू, सो हाँ जी वन ओवर टू ही है। सर का बात खत्म हो गई। साइन इनवर्स, अच्छा ये सवाल तो है ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यस सर साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा। हाँ मतलब इस तरह करके उनकी वैल्यू फाइंड आउट डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, आंसर फिर भी वही आना है, लेकिन ये ऐसे करना नहीं, करके दिखाना है। जब दो नंबर लेने हैं तो फिर उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोसेस तो करना पड़ेगा। उसी तरह हमने साइन इनवर्स वाले फंक्शन को वाई के बराबर रख लिया, हमने देखा साइन वाई की अब कौन सी वैल्यू, साइन थर्टी पे ये वैल्यू होती है वन बाई टू, इधर वन बाय पाई बाय सिक्स पुट करेंगे इसकी जगह तो उसका आंसर वन बाई टू आ जाएगा। और डायरेक्ट भी आपको बता दिया जैसे आपके पास उधर था, ऐसे ही हमारे पास एक होता है फंक्शन, ये कौन है अहमद शरीफ एंड हुज़ैफ़ा, एफ एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे एफ और एफ इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आ जाता है अकेला एक्स। इसमें भी यही है, फंक्शन फंक्शन का इनवर्स आपस में दोनों कैंसिल हो गए और ये हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाय टू। सर एक बार थोरोली दोबारा बताइएगा। ये देखें भी हमारे पास साइन इनवर्स वन बाय टू है, इसको हमने पुट कर लिया वाई के बराबर, वाई के बराबर जब पुट किया इधर से साइन दूसरी तरफ जाके क्या बन गया साइन वाई। अब हमने देखना कि वाई की कौन सी वैल्यू पुट करें जिस पे आंसर आए वन बाई टू, वो होती है पाई बाई सिक्स। आपने टेबल रख लेना 90 तक ना सामने, जीरो से लेके 90 तक, जीरो थर्टी फोर्टी फाइव, फिर उसके बाद आपके पास 60 एंड 90, क्योंकि ये आपको बताया था ये पहली जो एक्सरसाइज है इसमें इसके बाहर नहीं जाता, इधर ही रखता है इसका आंसर है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमने इस पूरे की जगह पुट कर दी पाई बाय सिक्स, साइन पाई बाय सिक्स किसके बराबर होता है वन बाय टू के बराबर। जी हाफ़िज़ साहब नेक्स्ट साइन टेन इनवर्स माइनस वन, कौन सा क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स नाइन्थ है, नौवां पार्ट है। ओके टेन इनवर्स माइनस वन डू योरसेल्फ ये किस तरह की गाइड है सर? और गाइड नहीं ये अच्छी है ना, मतलब इस तरह ही होता है ना, ये नोट्स है ना यार, खुद करने चाहिए आप ऐसा। जी बोले आप ऐसा, मैं बता देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ। साइन टेन इनवर्स माइनस वन, साइन टेन इनवर्स माइनस वन, अब उसी तरह से सर ये नयान अपना घर दिखा रहा tan इनवर्स y, tan इनवर्स जो माइनस वन है ये किसके बराबर आ जाएगा y के, तो इधर से tan y किसके बराबर बन जाएगा माइनस वन,
अब टेन की वैल्यू कब होती है हमारे पास वन फाइव बाई फोर पे? अब 45 पे सर। हाँ तो 45 पे माइनस फाइव बाई फोर होता है क्योंकि आंसर में माइनस निकल रहा है, साइन का माइनस बाहर निकल आता है इसलिए ये माइनस आ गया। तो इसका मतलब माइनस फाइव बाई फोर। अब माइनस फाइव बाई फोर इसकी जगह पुट करेंगे साइन इनवर्स, सॉरी साइन माइनस फाइव बाई फोर, दो दिन दो से तीन दिन इस वीक हमने ये ट्रिग्नोमेट्री से इंशाल्लाह। हाफिज साहब थैंक यू, आपने बता दिया हमें, पता ही नहीं चला था कि एक्सरसाइज खत्म हो गई है। क्या बात है, चलो खत्म हो गई, वाह भाई वाह, शुक्रगुजार हूं मेरे फिर। बिल्कुल जी बिल्कुल हाफिज साहब, आप दम दुरुस्त पढ़ दिया करें, आपके शुक्रगुजार ही है। सब तो बढ़िया कर रहा है, शुक्रिया अदा कर। हाफिज साहब शू कर दे शू। अच्छा भी इनको करने से पहले ना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज हैं। ओके सर, ये फार्मूलाज है हमारे पास सर। इसको क्या चुप कर जाएगा, डरा देता है ये तो बोल के। अच्छा भाई जाफा बस, साइन इनवर्स ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ बी, अगर प्लस आ रहा है तो उधर आपको पता है प्लस ही होना है, इधर माइनस आ रहा है तो दरमियान में माइनस, अगर इधर प्लस है तो इधर आपको कोज वाले जैसे याद किए थे पहले आपने। यस सर, कोस के अगर प्लस आता है तो इधर माइनस, अगर माइनस है तो इधर प्लस। सर प्रूफ आते हैं इनका? नहीं आते, नहीं प्रूफ नहीं आते। ओके आज तक कभी नहीं आया प्रूफ इनका ना। अच्छा भी इसमें करना क्या है, इस्तेमाल होंगे याद करने का? हाँ सॉरी इस्तेमाल होंगे 13.2। हाँ 13.2 सारी की सारी, मतलब ये 6 फार्मूले आपको याद है तो मतलब मुझसे समझने की जरूरत भी नहीं है, तो आप मतलब ब्रेक भी ये कर सकते हो अगर ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसमें ये देखिए हमारे पास कहता है साइन इनवर्स ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ बी, दरमियान में प्लस आ गया, साइन इनवर्स ए और साथ 1 माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस बी और उसमें ए स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। जब लिखना है माइनस वाला तब ये वाला पोर्शन में वही सारा का सारा, वही सारे का सारा, जस्ट फर्क इसमें ये माइनस में, ठीक है। मतलब एक फार्मूला याद कर लो, साइन में क्या आना है ए और दूसरा बी वाला फंक्शन जो आना है 1 माइनस बी स्क्वायर आना है, और इधर इधर हमारे पास क्या है बी और इधर जो है 1 माइनस ए स्क्वायर आना है। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। अगर आपके पास हो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप? एक तो ये है ना जिसमें आता है साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू। हाँ हाँ, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, लगी समझ की नहीं, अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला। अब ये देखें, अब इधर उसने कहा है इसको साइन ही, साइन को उसने इधर है ना ए के बराबर पुट किया हुआ है, ए के बराबर ये आ जाएगा हमारे पास ए, और ये किसके बराबर होता है ये, अब साइन की वैल्यू हमारे पास है, साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस इधर से ये बन जाएगा ना बी स्क्वायर। इसी तरह इधर कोस अल्फा की जगह, अब इधर देखें बी वाला साइन, अगर साइन अल्फा है तो ए, साइन बीटा है तो बी, इधर हमारे यहाँ क्या किया आपने, इधर यहाँ क्या किया आपने, इधर इधर क्या किया आपने, इधर जो मैं मांग ली सर 1 माइनस बी स्क्वायर आपने कैसे, वो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1
उधर से cos square theta equal to 1 minus sin square theta, वो वाला फॉर्मूला, उस वाले फॉर्मूले के 1 minus a का स्क्वायर, ठीक है। आपने जस्ट ये फॉर्मूलाज मतलब इनको याद कर लेना है, ये ना देखे बेचक आप, जस्ट ये फॉर्मूलाज आपने देख लेने हैं और इन फॉर्मूला मतलब याद कर लेना आपने। अगर ये एक ही फॉर्मूला है आपने याद करना है दोनों का, इसमें हमारे पास ए है और साथ बी नहीं आता, बी की जगह वन माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट आता है, और इधर हमारे पास दूसरे में क्या आता है कोज ए कोज इनवर्स ऑफ ए कोज इनवर्स ऑफ बी, उधर ए भी आ जाता है और दोनों जो ये दोनों अलग अलग पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर ये इकट्ठे मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, एक में प्लस है सर, अभी, अभी प्लस है तो माइनस, अभी थोड़ी देर पहले आपने हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था साइन अल्फा प्लस बीटा, और नहीं एक एक लिखा था आपने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और एक लिखा था साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोनों कोरेस्पोंडिंग नहीं है एक दूसरे के? नहीं, तो आपने उधर लिखा वो मैंने नीचे आपका फॉर्मूला दूसरा नहीं लिखा था? एक मिनट सर, मैं एक मिनट ना ये लिखता हूँ सर, ये साइन नहीं सर, ये बड़ा वो लिख रहा है, फोन पे क्लास ले रहा हूँ, चले कोई बात नहीं सर, ठीक मुझे बताओ क्या कह रहे हो, साइन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, हाँ, और सर नीचे आपने लिखा था साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा, हाँ दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर, कैसे सर ये क्या लिखा है? ओ, हम ऐसे इनको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, साइन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है सर, वही चीज आ जाएगी, ओ नहीं वही चीज आ जाएगी, इसका फॉर्मूला हमारे पास इधर ये देखो, अच्छा मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये देखो अगर कहते हैं हम अल्फा इक्वल टू 90 एंड बीटा इक्वल टू 45 रख लो, ठीक है yes. अब साइन 45 और ये वाला 45, ये देखो साइन अल्फा की वैल्यू 45 ही है, वन आ जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या है 45 ही सर, हाँ वन ओवर अंडर रूट टू प्लस वन ओवर अंडर रूट टू, एलसीएम सीएम है तो ऊपर एलसीएम क्या बन गया टू ओवर अंडर रूट टू, नीचे वन ओवर टू आ जाएगा, ऊपर पूरी रोटी अंडर रूट टू आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें पुट करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा 45 प्लस 45 90, साइन 90 इक्वल किसके होता है वन, तो ये बराबर आए आपस में, ओके 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 सर, नो सर, क्लियर हो गया ना, यस थैंक्स। अच्छा अभी ये फार्मूलाज थे, इसमें ज्यादातर फार्मूला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो टैन का है, जो आगे आना ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन, वो पेपर में काफी मरतबा आता है, बल्कि ना मेजोरिटी वही क्वेश्चन होता है, ज्यादातर आता है। अच्छा अभी आगे हमारे पास एक्सरसाइज, इसका हाफिज साहब पहला क्वेश्चन है, यस सर है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये देखें दोनों साइन अल्फा की जगह वैल्यू चेंज होगी, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा साइन इनवर्स ऑफ बीटा, फार्मूला अभी हमने क्या डिस्कस किया है, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, साइन इनवर्स ए इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस ए का 1 माइनस ए का स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये देखें जहां जहां हमारे पास ए आ रहा है वहां 5/13 और जहां जहां बी आ रहा है वहां 7/13 पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बन गया, इधर
ਮਾਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਗੇਬਾ ਕਰ ਕਰ ਪੱਠਾ ਉਠਾਇਆ ਯਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ मामा के मोबाइल में गेम पट्ठा बढ़ाया हुआ है सही बो बकर अच्छा भी सही मस्ती का आ रहा है अच्छा भी जब इनको पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये सारा सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद एलसीएम एलसीएम लेने के बाद उनका अंडरवुड लेने के बाद एट द एंड ये वाली वैल्यू आ जाएगी 204/3 25 अब ये देखें क्वेश्चन में हमारे पास हमने रिजल्ट में प्रूव क्या करना है हमने लेके जाना है कोज इनवर्स 253/3 25 अब इसको हम देखते हैं हमारे पास एक मिनट ये देखें 204/3 25 अब इधर आ गया हमारे पास साइन इनवर्स अब साइन इनवर्स अब ये हमारे पास है ना ये पीछे इन्होंने इनवर्स वाले इसमें ही जो क्वेश्चन है ना इसमें ये आइडेंटिटीज नीचे दी हुई है नहीं तो आप देखें 13.2 के ना लास्ट पे क्वेश्चन दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन यस सर उस इस तरह की आइडेंटिटीज दी हुई है साइन इनवर्स डेल्टा साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कोज इनवर्स ऑफ थीटा ये आइडेंटिटीज है उस आइडेंटिटीज को हमने इसमें यूज करना है इसका प्रूफ हम कल करेंगे इंशाल्लाह ना इसका प्रूफ करेंगे हम कल इसका प्रूफ सर ये भी सच टाइप ऑफ फार्मूला सर हां हां फार्मूला टाइप ही है मतलब ये फार्मूला ही है आइडेंटिटी है ना आइडेंटिटी में ये होता है और फार्मूला और चीज होती है आइडेंटिटी और होती है ओके सर आइडेंटिटी बेसिकली होती है जैसे आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है पांचवा चैप्टर जी सर वो सारी की सारी आइडेंटिटीज हैं आप उसकी मतलब एक साइड पे मतलब जो भी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस वन और दूसरी तरफ जो भी आपका जवाब आता है वन ओवर समथिंग प्लस टू ओवर समथिंग तो ये आइडेंटिटीज होती है मतलब जो मर्जी वैल्यू पुट करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होगी इक्वली आएगी अच्छा भी ये आइडेंटिटी उसने इधर यूज की है यूज करने के बाद अब ये देखें पाई बाई टू तो अब हमारे पास इसका तो कोई सलूशन नहीं है अब इसका सलूशन हमारे पास ये है कि कोज इनवर्स ऑफ जीरो लिख सकते हैं इसको अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन पढ़े हैं अगर हम लिखते हैं दोबारा बताइए कोज इनवर्स ऑफ जीरो हमारे पास वाई के बराबर रखें इधर से कोज वाई क्या बन जाएगा जीरो के बराबर जीरो हाँ तो cos y किस पे जीरो होता है 90 पे जीरो पे 90 पे ओह सॉरी 90 पे तो ये देखो इसको हमने क्या लिख लिया cos इनवर्स ऑफ जीरो के मतलब cos इनवर्स इस पूरी वैल्यू को ट्रिकी लग रहा है सर कोई और मेथड है इसका एक और मेथड भी अब टाइम एक मिनट से कम रह गया मैं कल वो दूसरा मेथड भी करवा दूंगा आपको ना ओके सर हाँ तो ये करने के बाद इसने कोस का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया कोस का फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड मतलब जस्ट इसमें फार्मूला पुट करने हैं फार्मूला पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है यस अच्छा भाई सही हो 40 मिनट की क्लास होती है हाँ 40 मिनट की अकेडमी में भी इतनी नहीं थी 40 मिनट यस सर इतनी सर 40 की थी हां 40 की थी अरे इसमें से लॉन्ग आता है इसमें से लॉन्ग आता है